देखो दोस्तों, ये है जुक्की की 7000A, ठीक है। ये देखो, इसमें भी क्या आ रहा है, एरर 14 आ रहा है। मैंने इसका ना बोर्ड रिपेयर करके लाया हूँ अभी मैं, और बोर्ड लगाया है मशीन में, एरर 14 आ रहा है। अगर आपने, मैंने बोर्ड ना पहले चेक कर रखा कि बोर्ड ओके है ये, अब मैंने मशीन पे लगाया है तो एरर 14 शो कर रही है। देखो, इसे हम ना एक प्रोग्राम से रिमूव कर सकते हैं, अगर बोर्ड हमारा ओके है तो। उसे बंद चेक करने का तरीका है, मशीन को पहले ऑफ़ करेंगे, यहाँ पर ऑफ़ कर दिया। उसके बाद निडिल, ये देखो निडिल फीड, निडिल और फीड, ये एक बटन है, इसे दबा के रखेंगे कुछ देर और मशीन को ऑन करेंगे। उसको दबा के रखेंगे इसको, यहाँ पे देखो 92 शो करेगा, ठीक है, इसे छोड़ दो आप। उसके बाद ये इंटर का बटन है, इसे एक बार दबाएंगे, यहाँ पे वैल्यू शो करेगा, जो भी शो करेगा कोई दिक्कत नहीं है। एक बार इस बटन को फिर से दबाना है, ये देखो, और ये देखो टेकअप लीवर अपनी पोजिशन लेगा। अगर इसने एक बार ऊपर पोजिशन ले ली तो ठीक है, अगर नहीं लेता है तो इसी बटन को दोबारा प्रेस करेंगे और ये दोबारा से ऊपर जाएगा। जिस टाइम पे ये ऊपर रुक जाएगा उस टाइम पे इंटर बटन को एक बार दबाना है, एक बार और दबा देना है। उसका एडी दबानी है पीछे, ये हमने पीछे एडी दबाई। उसके बाद मशीन को चला के देखेंगे, ये देखो, ठीक है, ये देखो, अब मशीन ये एकदम ओके हो गई है, कोई एरर नहीं शो कर रही है, देखो, ठीक है। अब यहाँ से देखो, मैं बंद करके दोबारा दिखा देता हूँ आपको, ये देखो बंद कर दी मैंने अभी, फिर दोबारा ऑन किया अभी हमने, अब देखो कोई एरर नहीं है, देखो डायरेक्ट पोजीशन आ गई। ये मैंने मशीन की पोजीशन ऑन करी यहाँ से, TW ने पोजीशन ले ली। अब देखो मैं चला के दिखाता हूँ आपको, ठीक है, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप, अगर आपका बोर्ड ओके है पहले से, मोटर भी ओके है लेकिन फिर भी एरर 14 शो कर रही है, तो ये तरीका है। एनकोडर की ना इसमें पोजीशन आउट हो जाती है, तो इससे एनकोडर की पोजीशन सेट हो जाती है, उसके बाद मशीन एरर नहीं शो करेगी, चलने लगेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो।